तो कुंती महारानी कह रही हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तव एहितम जनाः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह अपपरम पदाम्बुजम। तो कुंती महारानी कह रही हैं कि जो लोग जनाः, जो लोग शृण्वन्ति आपकी कथा सुनते हैं, गाते हैं, गृणन्ति और उसको स्वीकार करते हैं, अभीक्षणशः किस तरह निरंतर, स्मरन्ति नन्दन्ति और बल्कि उसका स्मरण करते हैं और उसका उसको उसके उससे आनंदित होते हैं, तब हितम जनाः तो और बल्कि आपकी जो लीलाओं में जो आनंद लेते हैं तो वो उनका क्या होता है, त एव पश्यन्ति वो देख, वो केवल वही लोग क्या देख पाते हैं, त एव पश्यन्ति अचिरेण बहुत शीघ्र ही वो, अचिरेण चिरेण मतलब देर से, पर अचिरेण मतलब बहुत शीघ्र ही वो क्या देख पाते हैं, तावकम आपके पद अंबुजम, आपके पद यानी कि आपके चरण कमल, आपके चरण कमलों को देख पाते हैं जो कि निरंतर आपकी कथा का श्रवण करते हैं और उसको बार बार दोहराते हैं और उसका स्मरण करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं। और इस प्रकार जब आपके चरण कमलों का वो दर्शन करते हैं, जो पश्यन्ति जो आपके चरण कमलों को देखते हैं, तो उससे क्या होता है, कुंती महारानी कह रही हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि भगवान के चरण कमलों को देखना। और उससे होगा क्या, जिस दिन भगवान के चरण कमलों को हम देख लेंगे तब कुंती महारानी कह रही हैं भव प्रवाह अपरमम, कि भव का प्रवाह रुक जाएगा। ये संसार में जो हमारा भव प्रवाह, बार बार रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, भव प्रवाह जो हमारा जन्म मृत्यु का चक्र है, हम उस चक्र से जिस दिन भगवान को देख लेंगे, भगवान के चरण कमलों को देख लेंगे, अनुभव कर लेंगे, उस दिन भव प्रवाह रुक जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, कुंती महारानी को पता है कि भगवान के चरण कमलों में, भगवान के चरण कमलों से क्या लक्षण क्या है कि हमारा इस संसार में जन्म मृत्यु का चक्र रुक जाएगा। और जन्म मृत्यु का चक्र मतलब हमारे जो अननेसेसरी जो हमारे जो प्रयास हैं, अनर्थ बहिर अर्थ माने ना, बाहर की वस्तु को जो हम अर्थ समझ रहे हैं उन वस्तुओं को हम समय देना बंद कर देंगे तो उससे भव प्रवाह रुक जाएगा। तो इसलिए कुंती महारानी बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान के चरण कमलों से क्या होगा, भव प्रवाह रुक जाएगा। प्रवाह मतलब बहना, इस संसार में जो हम बहे जा रहे हैं तो वो रुक जाएगा। और इसलिए शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, इसलिए भगवान की कथा सुनकर अगर हमारा भव प्रवाह नहीं रुक रहा तो यानी कि हम सही प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे, या तो हम सुन नहीं रहे और या फिर अगर हम उस तरह नहीं सुन रहे कि संसार से निकलने की इच्छा उत्पन्न है ना। और तीसरी चीज है, या फिर हम अप्रमाणिक लोगों से सुन रहे, तो ये भी होता है कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर हम प्रमाणिक व्यक्ति से नहीं सुनेंगे तो वो तो हमें संसार में बंधे रहने के लिए हमें उत्साहित करेंगे, पर अगर मैसेज क्लियर होगा तो फिर हम प्रयास भी करेंगे और एक दिन हम जरूर इस भव प्रवाह से निकल सकते। इसलिए श्रवणम करने की विधि भी है, केवल श्रवणम करना आवश्यक मतलब सफिशिएंट नहीं है, श्रवणम करने की विधि है कि भव प्रवाह रुक जाना चाहिए। और 37 श्लोक में कुंती महारानी कह रही हैं, तो ये समझ के
अब क्या है, अपि अद्यर नहत्वम, कि आज अगर आप, अपि मतलब कि अगर, अद्य आज न, अगर आप हमारे लिए न त्वम स्वकृत, कि आपने ये सब जो किया है वो सब, ये सारे जो आपने हमारी रक्षा की वो तो आप ही के द्वारा की गई है, पर कह रहे हैं कि जिहाससी, पर अगर आप इसको जिहाससी स्वित सुहृद अनुजीवी नह, कि आप अपने स्वजनों को छोड़कर, किनको छोड़कर आप जा रहे हैं, अनुजीवी नह, कि जो कि जिनका जीवन आप पर निर्भर है, आपने सब कुछ अब किया और अब आप अपने स्वजनों को छोड़कर जा रहे हैं। येषाम न च अन्यत, और बल्कि किनको छोड़कर जा रहे हैं, येषाम जिनका, न च अन्यत और कोई सहारा नहीं, न च अन्यत भवतः पद अम्बुजात, आपके चरण कमलों के अलावा जिनका कोई सहारा नहीं है, आप उनको छोड़ के जा रहे हैं। और कह रहे हैं कि परायणम, जिन्होंने आपके चरण कमलों की पूर्ण तरीके से शरण ले ली, परायण, और बल्कि राजसु योजिता अहसाम, और बल्कि जो अभी भी अपने दुश्मनों से घिरे हुए, पदम पदम जब यद विपदाम, हालांकि महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, बट विपदाएं कभी खत्म नहीं होंगी, इस संसार में विपदाएं कभी खत्म नहीं होती। तो कुंती बी रानी कह रही हैं, आप जा तो रहे हैं बट आप हमें फिर इस संसार में छोड़कर उनको, अब यहाँ पर कुंती बी रानी को विरह महसूस हो रहा है कि आप जा रहे हैं। तो कुंती बी रानी उस चैतन्य महाप्रभु जिस कंसेप्ट को प्रफुल्लित रूप से हमें देने के लिए आए थे, तो वही कुंती बी रानी कह रही हैं कि भगवान से अब मुझे, आप जा रहे हैं तो हमें आपसे विरह का अनुभव होगा कि आप क्यों जा रहे हैं। और इसलिए तो इनफैक्ट इसमें प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एक भक्त का कर्तव्य क्या है, एक भक्त का कर्तव्य है कि भगवान की इच्छा पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना, कि एक भक्त का यही कर्तव्य है कि भक्त के जीव, भक्त कभी भी अनाथ नहीं होता। एक साधारण व्यक्ति अनाथ होता है क्योंकि वह संसार का आश्रय लेता है, क्योंकि संसार का आश्रय लेना जिसके साथ कोई भी नहीं है, हमें लगता है कि वो मेरी मदद करेगा पर उसकी मदद कोई भी नहीं कर सकता। एक बच्चा जब बीमार होता है तो माता पिता भी उसकी मदद नहीं कर सकते, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। तो इसलिए एक भक्त वास्तव में भक्त सनाथ होता है, एक अभक्त अनाथ होता है। ये शिला प्रभात इसके तात्पर्य में लिख रहा है, आई थिंक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही कह रहे हैं। तो यहाँ पर कुंती बी रानी बता रही है कि शरणागति, भक्त हमेशा सनाथ होता है, सनाथ यानी कि भगवान की इच्छा के साथ होता है, सनाथ भगवान के साथ यानी कि भगवान की फोटो के साथ में नहीं रहना, सनाथ यानी कि भगवान की इच्छा अपने जीवन में फॉलो करना, वो सनाथ हुआ। परायणम, और इसलिए कह रहे हैं कुंती बी रानी, और बल्कि शिला प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, बहुत अच्छा सुंदर तात्पर्य है, आप पढ़िएगा। कुंती बी रानी कह रही हैं कि बल्कि जो महाभारत हुई, तो महाभारत में किसकी चर्चा है, पांडवों की चर्चा है, तो महात्मा की परिभाषा में भगवान भगवद्गीता में कह रहे हैं ना कि दैवीं प्रकृति में आश्रित हो, कि जो दैवी प्रकृति, जो मेरी इच्छा का आश्रय लेता है वो महात्मा है। और इसलिए शिला प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि पांडव जो कि महात्मा थे, तो सारे महाभारत में पांडवों का ही जिक्र है, अगर हम देखें पांडवों के चरित्र का ही वर्णन है कि किस प्रकार पांडवों ने भगवान की शरण ली, पूरी स्टोरी यही चल रही है,
कुंती ने किस प्रकार भगवान की शरण ली, द्रौपदी ने किस प्रकार भगवान की शरण ली, पांडवों ने किस प्रकार भगवान की शरण ली, पूरी स्टोरी इसी के आसपास चल रही है कि भक्त भगवान की शरण हर परिस्थिति में लेते हैं, कभी उनको नहीं छोड़ते, क्योंकि भक्त हमेशा सनाथ होते हैं, वो अनाथ नहीं होते। और 38th श्लोक में कुंती महारानी कह रही हैं कि केवयम, कि एक्चुअली हम हैं ही कौन। कुंती महारानी कह रही हैं कि आप हमारे जीवन से अगर चले जाएंगे तो भव तो इसमें आ रहा है। कुंती महारानी कह रही हैं कि केवयम नाम रूपाभ्याम, नाम और रूप का भी क्या फायदा, केवयम हमारे जीवन में, यदुभि सह पांडवा, अगर आप यदुवंशी और पांडवों को आप छोड़कर चले जाएंगे तो यदुवंशी यदुवंशी नहीं, पांडव पांडव नहीं। भवतो अदर्शनम, अगर आपके दर्शन नहीं होंगे तो हमारे जीवन की वैल्यू ही क्या है। बहुत सुंदर कहेंगे। और वो किस तरह होगा, जरही, जिस प्रकार ऋषिकाणाम, जिस प्रकार ऋषिकाणाम इव इशितु, जिस प्रकार अगर शरीर में इंद्रियां नहीं होंगी, अगर आंखें नहीं होंगी, कान नहीं होंगे हमारे, तो ये शरीर क्या होगा, निर्जीव वस्तु बन जाएगा। उसी प्रकार यदुवंशी होंगे, पांडव होंगे, पर आप अगर उनके जीवन में नहीं होंगे तो हम सब क्या होंगे, तो हमारे जीवन की वैल्यू ही क्या। तो ये बहुत सुंदर, इसलिए जहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस संसार में हम कुछ भी करें पर अगर भगवान हमारे जीवन से चले गए तो उसकी वैल्यू ही क्या। और बल्कि वो उत्पाद एव या उत्पाद एव कल्पते, कि शास्त्रों को अगर हम अपने जीवन में नहीं उतारते, भगवान की इच्छा को अगर हम जीवन में नहीं उतारते, तो वो सोसाइटी में केवल और केवल उत्पाद है। भवतो अदर्शनम, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके अगर दर्शन नहीं हो रहे, भवतो अदर्शन, भगवान की दर्शन यानी कि गाइडेंस। और 39 श्लोक में कुंती महारानी कह रही हैं कि बल्कि हमारे जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, और इस ना एयम शोभिष्यते, बल्कि ये राजपाट भी शोभा नहीं देगा, ना एयम, ये जो हमारा जो हमने राज्य पे हम राज्य कर रहे हैं, ना एयम शोभिष्यते, वो शोभा नहीं देगा। तत्र यथा इदानीम गदाधर, अगर शोभिष्यते की तो कुंती महारानी सेकेंड लाइन में कह रही है त्वत पादैः अंकिता, कि अगर इस राज्य में आपके चरण कमलों के चिन्ह नहीं होंगे, मतलब भगवान जा रहे हैं ना, तो कह रही हैं कि त्वत पादैः अंकिता, आपके पैरों से जो इस धरती पे जो चिन्ह पड़ रहे हैं, जो भगवान के चरणों में स्पेशल चिन्ह होते हैं जिनसे भगवान को पहचान सकते हैं, तो अगर वो नहीं होंगे, त्वत पादैः अंकिता भाति, बल्कि उनसे जो तेज निकलता है, स्वलक्षणम विलक्षितैः, लक्षिता मतलब मार्क, विलक्षिता मतलब वो सुंदर चिन्ह, अगर वो सुंदर चिन्ह नहीं होंगे तो ये राज्य भी शोभा नहीं देगा। तो ना हमारा अस्तित्व शोभा देगा, ना ये राज्य शोभा देगा। तो और कुंती महारानी कह रही हैं 40th श्लोक में, इमे जनपदाः स्ववृद्धाः, और बल्कि ये पूरा शहर ही क्या हो जाएगा, इमे जनपदाः स्ववृद्धाः, ये जो पूरा राज्य है, जो फल फूल रहा है, सुपक्व औषधि विरुद्धः, तो ये किस प्रकार, जिसमें बल्कि इस राज्य में जो भी
औषधियां हैं, जो भी पेड़ हैं, जो भी फूल हैं, जो भी सुगंध आ रही है, वन आदि नदी उदनवंत, ये जो नदियां बह रही हैं, ये जो वन हैं उदनवंत, ये जो समुद्र हैं ही अधन्ते, और बल्कि ये जो इस शहर की शोभा बढ़ा रहे हैं ये सब चीज़ें, तो वो आपके जाने से वो है ही क्यों, क्योंकि आप एक्चुअली अपनी दृष्टि इन पर डाल रहे हैं। तब विकसित ही आपकी दृष्टि से ही ये सब चीज़ें, नहीं तो ये शहर भी निर्जीव हो जाएगा। जो सारी चीज़ें हैं, ये शहर है, जो औषधि हैं, जो वन है, जो पेड़ नदियाँ पहाड़, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी दृष्टि से विकसित ही, आपकी दृष्टि से ही ये फल फूल रहे हैं। और इसलिए शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान आपकी दृष्टि से ये फल फूल रहे हैं, तो शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान ने, जिनको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, तो ये भगवान ने हमें पहले ही गिफ्ट दे दिए, पर हम केवल भगवान की इच्छा ना समझ के इनका दुरुपयोग कर, भगवान ने दिए तो हैं हमें गिफ्ट, बट हम भगवान का ऋण समझ नहीं पा रहे, और इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम एक्सीलेटर है ना, स्कूटी तेज चला रहे हैं, एक्सीलेटर उसको दबाए जा रहे हैं कि और आ जाए, मेरी स्पीड 100 हो जाए, 200 हो जाए, 250 हो जाए, बस अब हवाई जहाज़ में बनने ही वाला है। तो ये क्या है, ये है प्रकृति का शोषण, इसको बोलते हैं प्रकृति का शोषण। और वो प्रकृति का शोषण क्या है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना, जिसकी वजह से ये सब प्राकृतिक विपदाएँ आ रही हैं। ऐसे ही है ना, ये कैंसर ये सब क्या है, ये भगवान ने नहीं बनाया, ये सब हमने ही बनाया है। और इसलिए ये दिखाता है कि हम भगवान की बात नहीं मान रहे। अगर हम गाड़ी तेज चला रहे हैं तो हम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं, आप सोच के देखिए, गाड़ी तेज क्यों चला रहे हैं, वो सोच रहा मैं पहुंच जाऊंगा। ऐसे ही है, गाड़ी स्लो भी तो चला सकते हैं। अब भगवान ने गाड़ी दे दी, वो व्यक्ति ये नहीं देख रहा कि मेरे को गाड़ी दे दी जाने के लिए, मेरे को बस में नहीं जाना पड़ रहा, व्यक्ति देख रहे मेरी स्पीड अभी 80 है, 100 नहीं हुई, और 100 है अभी 150 नहीं हुई, तो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है, अगर भगवान को समझना है। इसलिए हम भगवान को अपने जीवन में एक्चुअली नहीं चाहते। इसलिए शिला प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि ये भगवान की बात मानना बहुत ज़रूरी है। और 41 श्लोक में कुंती रानी कह रही हैं अथ विश्व ईश्वर, कि इसलिए आप विश्व के ईश्वर हैं, विश्व ईश विश्व आत्मा, और विश्व की आत्माएं, या फिर आप मन के भी ईश्वर हैं, आत्मा यानी कि मन भी होता है, तो आप पूरे विश्व के ईश्वर तो हैं, और आप इस शरीर के भी ईश्वर हैं। विश्व आत्मा ना विश्व मूर्ते स्वकेशु में, और बल्कि आप ही इस संसार में एक मूर्ति हैं, विश्व मूर्ते स्वकेशु में। और अब कुंती महारानी कह रही है ये समझ के, स्वकेशु यानी कि जो मेरे जो स्वजन है, स्वकेशु में मेरे जो स्वजन है, तो ये समझ के कि आप ही एक्चुअली दर्शन करने योग्य हैं, तो ये समझ के क्या करना है, कुंती महारानी कह रही हैं स्नेह पाशम इमम छिंदी, ये जो स्नेह का पाश है, ये जो स्नेह का, जो स्नेह की रस्सी से जो हम अपने स्वजनों से बंधे हुए हैं, स्नेह पाशम प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो गांठ है, स्नेह पाशम इमम छिंदी, इसको आप काट दीजिए। जो नारद मुनि वही कह रहे हैं कि जब उनकी माता का देहांत हो गया तो नारद मुनि भी यही कह रहे हैं कि आपने मेरा जो आखिरी बंधन है वो भी आपने खोल दिया। तो जहाँ पर भी कुंती महारानी समझ रही हैं कि वो ये सब जानती हैं कि आप ही सब कुछ हैं, पर फिर भी अपने परिवार से मोहित हो रही हैं, अपने परिवार के बारे में तो सोच ही रही हैं,
तो कह रही है कि आप अगर चाहें तो इस स्नेह के बंधन को आप खोल दीजिए। स्नेह पाशम एवं छिंदी, अगर चैंटिंग करना है तो इस पर ध्यान कर सकते हैं, चैंटिंग करते हो ना 41 की स्नेह पाशम एवं छिंदी, आप इस बंधन को काट दी। तो कुंती महारानी बिल्कुल क्लियर है कि एक कुंती महारानी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसलिए एक भक्त भगवान से मांगने में शर्म करता है, क्योंकि वो क्यों मांग रहा है, अपने घर के लिए मांग रहा है, अपने घर गृहस्थी के लिए मांग रहा है ना। तो भक्त हमेशा, भक्त को भगवान से मांगने में शर्म आनी चाहिए, प्रभुपाद लिख रहे हैं। अपने लिए वो भगवान से नहीं मांगना चाहता, पर परिवार का बंधन है, मांगना ही पड़ेगा, तो फिर इसलिए भक्त को शर्म आती है कि मैं भगवान से कुछ मांग रहा हूँ। कुंती महारानी कुछ मांग रही हैं, और वो क्या मांग रही हैं, स्नेह पाशम एवं छिंदी, और बल्कि क्या कह रही हैं, दृढ़म, इस तरह आप मेरी भक्ति दृढ़ कर दीजिए, पांडुषु वृष्णिषु, कि जो मेरा जो बंधन है कहाँ से, मेरे पुत्रों से जो मेरा बंधन है, और जो मेरे जो वृष्णि कुल से जो मेरा बंधन है, दोनों बंधन आप काट दीजिए। और शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कुंती महारानी ऐसा क्यों कह रही हैं कि मेरा बंधन काट दीजिए, क्यों कह रही हैं कुंती महारानी, बंधन कटने से क्या होगा? हाँ, उससे ऊपर भव भव प्रवाह रुक जाएगा, पर उससे ऊपर भी कुछ है, पूरा ध्यान भगवान में लगेगा, उससे भी ऊपर कुछ है। हाँ, भगवान का साथ मिलेगा, उससे भी ऊपर कुछ है, भगवान से स्नेह प्रकट होगा, उससे भी ऊपर कुछ है, या फिर आप कह सकते हैं भगवान से वास्तव में स्नेह कब होगा, वो लिखा था ना हमने, कृष्ण नाम कृष्ण धाम कृष्ण काम, जब कृष्ण का काम करेंगे। अभी क्या है, परिवार की वजह से हम कृष्ण का काम नहीं कर पा रहे ना, आपको शॉप पे जाना है, कैसे करेंगे काम, वहाँ से फोन आ जाएगा, नहीं कर सकते काम। तो कुंती महारानी कह रही है मैं आपका काम नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली कुंती महारानी किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, कुंती महारानी एक लीडर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। प्रॉपर लिख रहे हैं कि एक राजा जब तक अपने परिवार के से ऊपर नहीं उठेगा वो राज्य नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी अगर अपने परिवार के बारे में सोचेगा तो वो राज्य नहीं कर सकता, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता कोई भी व्यक्ति। यही तो हम कहते हैं कि देखो वो पैसे गवर्न नहीं कर रहा, बोला हम किसी के लिए ही बोलते ना, अगर कोई अपने परिवार के बारे में सोचता रहेगा तो उसको उसके अंदर स्वार्थ आएगा ही आएगा। इसीलिए कुंती महारानी कह रही हैं आप इन बंधनों को खोल दीजिए, तभी मैं आपकी पूर्ण भक्ति, भक्ति मतलब भगवान का साथ नहीं है, भगवान का काम है। एक लीडर को अपने परिवार से ऊपर उठना ही पड़ता है, तब वो एक्चुअली भगवान का काम कर सकते हैं। अभी जैसे प्रोग्राम में जाना तो सब सोच रहे हैं नहीं नहीं मेरे को इधर काम है, नहीं उस समय आ सकते हैं, उस समय नहीं आ सकते, नहीं उधर रिश्तेदार आ रहे हैं, तो भगवान का काम तब तक नहीं कर सकते। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं जब तक ये बंधन नहीं कटेगा नो वन कैन बी क्वालिफाइड, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, वो बल्कि भगवान का काम, कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता, कोई राजा नहीं बन सकता, कोई पब्लिक लीडर नहीं बन सकता, और कोई भक्त तो बन ही नहीं सकता जब तक परिवार से संबंध नहीं टूटेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि परिवार से संबंध तोड़ना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका परिवार बड़ा हो जाएगा। अभी तो हम केवल अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं ना, तो हमने जोड़ जोड़ कर रखा हुआ है, हमने पूरा जीवन परिवार के लिए जोड़ कर रखते हैं, पर फिर आप भगवान के लिए जोड़ना शुरू करते हैं, वो दिन पता नहीं कब आएगा। तो कुंती महारानी कह रही हैं और इससे निकालने के लिए भगवान की कृपा चाहिए।
स्नेह पाशम इमम छिंदी। और कुंती महारानी कह रही हैं ये समझ के, अब क्या कुंती महारानी कह रही हैं, त्वई में अनन्य विषया, कि इस प्रकार जब मेरे बंधन कटेंगे, त्वई में अनन्य विषया, कि आपके अलावा मेरे जीवन में और कोई विषय नहीं रहेगा। अनन्य भक्ति, कि हम और किसी की शरण नहीं लेंगे। त्वई अनटू यू, आप ही के लिए मेरा विषय केवल आप है। त्वई में अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत, कि निरंतर बल्कि आप ही मेरे स्वामी बने रहें। और रतिम, और मेरी रति उद्भत, कि जिस प्रकार गंगा उद्भत अधा गंगा इव औघम उदनवती, जिस प्रकार गंगा समुद्र की तरफ भागती है बिना रुके, उस प्रकार मेरी मति आपके चरण कमलों की तरफ बिना रुके आकर्षित हो, कि मेरी रति आप में हो। और वो कैसी रति हो, त्वई में अनन्य विषय, और किसी वस्तु में मेरा इंटरेस्ट नहीं हो। विषय, त्वई में अनन्य विषय, भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए, आप में मेरी भक्ति अनन्य विषय। केवल आप में मेरी भक्ति है। और इसलिए शिला प्रपाल लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये संसार में हमारी इच्छाएं शून्य हो जाएंगी, क्योंकि संसार तो रहेगा, पर हमारे जीवन का लक्ष्य बदल जाएगा। संसार तो रहेगा, इंद्रियां भी रहेंगी, संसार में आकर्षण भी रहेगा, मतलब जहाँ तक हम कर सकते हैं वो तो जितना हम कर सकते हैं उतना ही करेंगे, पर हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमारा आकर्षण आप में हो। कुंती महारानी भी इसकी प्रार्थना कर रही है, जिस प्रकार गंगा समुद्र की तरफ भागती है।